गया जिला और नवादा जिला के बॉर्डर के बीचों बीच फतेहपुर प्रखंड के अंतर्गत मुरली पहाड़ी पर गोवर्धन पूजा के शुभ अवसर पर आयोजित दंगल प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर अपनी बात को रखते हुए आज माननीय मंत्री संतोष कुमार सुमन जी, आने वाले छठ पूजा के लिए आप सबका शुभकामना। जो भी आप लोग यहाँ पर है बिहार यहाँ के गया जिला के और नवादा जिला दोनों जगह खास करके फतेहपुर जो विधानसभा के जितने भी साथी हैं, मैं इस विधानसभा को नतमस्तक हूँ क्योंकि हमारे आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी का यह कार्य क्षेत्र रहा है। अपने जीवन का शुरुआत उन्होंने यहाँ से किया है और यहाँ से शुरू कर करके बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी को प्राप्त किया है। हमारे माननीय विधायक कृषि मंत्री और जो यहाँ के विधायक है माननीय मंत्री कृषि जो आप बोल के गए हैं, मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि एकलव्य मॉडल केंद्र सरकार का एक एसटी के लिए विद्यालय होता है जो पहले से यहाँ पर स्वीकृत फतेहपुर में हो गया है और भी माननीय नीतीश कुमार जी के अगुवाई में जिस प्रखंड में 50,000 से ज्यादा आबादी है SC ST की, वहाँ पर हम आवासीय विद्यालय बनाने का काम कर रहे हैं और जहाँ 30,000 से जहाँ आबादी है वहाँ हॉस्टल खोलने का कह रहे हैं। आपको तीनों प्रखंड टनकुप्पा की बात करें चाहे फतेहपुर की बात करें, सभी जगह यहाँ खुलने जा रहा है। इस बात को मैं आप सबको आश्वस्त करके जाना चाहता हूँ, आप सब हमारे दिल में है और मैं आपके लिए मैं हूँ, जिसके लिए आप सब इसी तरह से प्यार बनाए रहिए, इसी तरह से आशीर्वाद देते रहिए क्योंकि आप मालिक हैं। जमहूरियत में लोग जनता ही मालिक होती है, सभी मालिकों को सलाम, जय हिंद जय भारत।